हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई पुष्पाणि हियर। और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत जबरदस्त वीडियो लाया हूं जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव करेगी और बेहतर करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज इंग्लिश बहुत जरूरी हो चुका है और हर कोई चाहता है इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना, क्योंकि उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, आपका ग्रोथ अच्छा होता है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलती है, ये सारी बातें उससे जुड़ी होती है। इसलिए हर किसी के मन में कहीं कहीं चाहत होती है कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाऊं या सीख पाऊं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इंग्लिश कम्युनिकेशन की शुरुआत करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो शुरुआती लेवल पे आपको सीखने की जरूरत होती है। उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो वो आता है क्या आपका ग्रीटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो अगर आपकी ग्रीटिंग्स यानी कि जो हिंदी में आप नमस्ते नमस्कार प्रणाम करते हैं, इंग्लिश में तो नमस्ते नमस्कार प्रणाम आप करते नहीं है, उसके लिए क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को मिलते हैं सुबह 12 बजे यानी सुबह 12 बजे तक आपको क्या इस्तेमाल करना है, गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग में आपका जो व्यक्ति सामने वाला जैसा होगा उसके अनुसार आपको संबोधन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने अंकल से मिल रहे हैं, गुड मॉर्निंग अंकल कह सकते हैं, या आप अपने टीचर्स में मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हैं। यानी कि 12 बजे तक आपको किसका इस्तेमाल करना है, गुड मॉर्निंग का। और जब वहां से विदा लेते हैं तो क्या बोलना होगा, आप मिले तो गुड मॉर्निंग बोल दिए, विदा लेंगे तो आपको बोलना होगा क्या, सी यू, क्या, हैव अ नाइस डे, क्या, टेक केयर। इन शब्दों में से कोई भी एक चयन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बेसिक शुरुआत है। सपोज आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में शुरुआत की, इतने से तो शुरुआत कर सकते हैं। किसी को मिलते हैं आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, जब उससे विदा होते हैं तो बाय बोल सकते हैं, जब उससे विदा होते हैं दिन की शुरुआत है ना तो आप क्या बोल सकते हैं, टेक केयर, या आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे, सी यू। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करना है। वही अगर 12 बजे के बाद शाम को 5 बजे तक मिलते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है गुड आफ्टरनून। अब गुड आफ्टरनून बोलने के बाद आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, समय बिताते हैं, जब चलने लगते हैं फिर आपको वही बोलना है, बाय, टेक केयर, सी यू। और अगर हम शाम को मिलते हैं 5 बजे के बाद, अब 5 बजे के बाद का कोई टाइमिंग नहीं है, रात्रि में कभी भी मिलते हैं तो क्या बोलेंगे आप। ऐसा नहीं है कि शाम 6 बजे मिलते हैं तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे और रात्रि में मिलेंगे 10 बजे तो गुड नाइट बोलेंगे, नहीं। आपको यहां पे ध्यान रखना होगा, जब भी रात्रि में आप मिले किसी से तो आप गुड इवनिंग ही बोलेंगे, चाहे 5 बजे या रात्रि 10 बजे मिले, आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। विदा लेते समय क्या बोलेंगे, यहां पे आप बोलेंगे सी यू, टेक केयर या गुड नाइट। सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि गुड नाइट आप विदा लेते समय बोलेंगे ना कि मिलते समय। मिलते समय आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। शुरुआत करिए माय डियर फ्रेंड्स, इतने से ही छोटी छोटी चीजें आप सीखते जाइए। जब किसी को मिलिए, किस तरीके से मिलिए, आपको ये ध्यान रखते हुए आप शुरुआत करिए। हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे देते रहेंगे जिससे आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते जाइए। और हाँ, ये खास ख्याल रखिए कि अगर आप सच में इंग्लिश कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो बोलना स्टार्ट कर दिए। डजंट मैटर कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, एक वर्ड एक सेंटेंस भी आता है तो उसको स्टार्ट करिए, क्योंकि जब भाषा हम सीखते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस एक दिन में होती नहीं है। आप शुरुआत करिए आज से, किसी को मिलिए तो ये सेंटेंस का इस्तेमाल से आज ही आप अपने कम्युनिकेशन को शुरुआत कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।